ये भूखे इंसान को देखो, समोसा छोड़ ही रहा। शर्म शर्म नहीं है तेरे को कोई? मैं अगर थक गया तो भाई किसी रीजन की वजह थका हूं। प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट ही बोली जाती है। गुस्से मान गया। हेलो वाली फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल? आई होप यू आर डूइंग बेमिसाल। आज मैं उठा हूँ बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ। मेरी बीवी आवाजें मार मार के थक गई, तब भी मैं नहीं उठा। मेरे साले को आना पड़ा है, दरवाजा खड़काना पड़ा है, तब जाके उठाऊ। भाई अभी सुबह मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, सच्ची नहीं बोला जा रहा। तो अभी मैं अपने लिए बनाने लगा हूँ कॉफी, ये पी के शायद आंखें खुल जाए। और आज खाने में बनी हुई है पनीर की भुर्जी। और ये जो पनीर है ना, ये कोई बाजारू पनीर नहीं है, ये वो पनीर है जो दो दिनों से फट रहा था, मतलब दूध फट रहा था, उससे पनीर निकाला है। और आज आदित्य ने निकाल ली हुई है पूरी की पूरी टोर। ओए हो, लड़का लग रहा है पूरा स्मार्ट। बस मुझे एक ही टेंशन है, हाँ? मेरे पीछे सांड न पड़ जाए। ओहो, क्योंकि मेरी जैकेट का जो लाल रंग है ना, वो ज्यादा ही लाल लग रहा है। बहुत ज्यादा चटैक है, बढ़िया लग रहा है। और आप सबको बता देते हैं कि आज का होस्ट होने वाला है आदित्य गौतम, तभी इतनी टोर निकाली है। और आज की गेस्ट भी बड़े स्पेशल है। और जी मैं भी हो चुका हूँ तैयार, निकाल ली हुई है टोर, निकल चुके हैं स्टूडियो की। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के शूट के लिए आदित्य बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि सुबह सबसे पहले उठा भी ये, तैयार भी ये हुआ। ऐसी क्या बात है? नहीं, गलती से नींद खुल गया। फिर नींद आई नहीं, मैं उठ के नहाई लो, लेट होने से लग चाहिए। नहीं, मैं सुबह ये देख रही हूँ ओंकार उठ के, मुक्ति उठ जा, तैयार हो जा, ठीक है। उसके बाद मेरे सारे मेरे को बोले जा रहे हैं, मेरे का हे भगवान, खुद को तैयार नहीं हो रहा, मुक्ति तेरे बाल धोने, मुक्ति तेरे बाल धोने। यार मुक्ति को तैयार होने में ज्यादा टाइम लग रहा था, इवन दो अभी तक ये तैयार नहीं हुई है, क्योंकि ये है बड़े आर्टिस्ट, ये सेट पे जाएंगे, मेकअप करवाएंगे, उसके बाद तैयार होएंगे। पर आज के गेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि हम उनसे पहले कभी मिले नहीं है, और आज के शूट पे हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। बाकी जो गेस्ट आएंगे तब आपको दिखाएंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे। हमने उनको सिर्फ दूसरों की बेइज्जती करते हुए देखा है, और आज हम अपनी बेइज्जती करवा के देखेंगे। बाकी पता नहीं, मतलब कई बार ऐसा होता है ना आर्टिस्ट, कई बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट ना अपने एलिमेंट में ही वैसा होता है, उसके पीछे शायद कुछ और हो, कुछ नहीं पता। हाँ, जैसे लोग कभी कभी हमें भी कुछ लोग मिलते हैं तो बोलते हैं आप ऐसे चिल्ला क्यों नहीं रहे, जैसे वीडियो में चिल्लाते हो। कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग होती है। अब जाके देखते हैं जिनसे हम मिलने वाले हैं, जिनके साथ शूट करने वाले, उनकी भी पर्सनैलिटी कैमरे के आगे पीछे अलग है, या कैमरे के पीछे कुछ ज्यादा बेइज्जती करते हैं। क्या पता कैमरे के पीछे ऐसी थी तभी कैमरे के आगे आए, ये भी हो सकता है। आज सेट पे हम पहुंचे सबसे ज्यादा पहले, अभी टीम वगैरह जो है वो पहुंची नहीं है, चल रही है यहाँ पे साफ सफाइयाँ, अभी मुक्ति के मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं आए हैं, तो थोड़ी देर करते हैं वेट। और जी टीम जो है वो आ चुकी है, आती लग चुकी है एक्शन पे, और हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं काली कॉफी के साथ। आज के अपने गेस्ट आने से पहले सारी डिस्कशन ब्रीफिंग वगैरह जो है वो हो चुकी है डन, और फाइनली जाके मुक्ति का मेकअप जो है वो हो चुका है शुरू। आज दो दो जने लगे हुए हैं मुक्ति के बालों पे। आज मुक्ति बता दिया तू क्या हेयर थोड़ा सोच रही है? हाँ, मैंने जो सोचा वो कह रहे एग्जैक्टली जाएगा नहीं। अच्छा, आज थोड़ा सा ये मेकअप रूम ज्यादा क्राउडेड हुआ हुआ, मैं बाहर निकल जाता हूँ, मुक्ति की तो शक्ल भी नहीं दिख रही। और क्योंकि आदित्य है आज का होस्ट, तो ज्यादा ब्रीफिंग जो है वो आदित्य की चल रही है। मेरे लिए सरप्राइजेस है वीडियो में। यस गाइस, बहुत ज्यादा सरप्राइजेस है, तो तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला मैं, चले जाओ यहाँ से। यहाँ पे फोटो शूट जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, और ये भूखे इंसान को देखो, समोसा छोड़ ही रखे ना, समोसे के साथ ही फोटो खींच दो वो भूखे। यहाँ फोटो में चल रही है, पूरा पोज मार रहा है लड़का, मॉडल बन चुका हुआ है। बस तो यहाँ पे चल रही है समोसा पार्टी, और मेरा पति यहाँ पे खा रहा है समोसा, और मैं खा रही हूँ अपना घर का खाना। खाओगे ऑमलेट? समोसे से पेट भर गया। समोसे से पेट नहीं भरा, समोसे से दिल भर गया तुम्हारा। हाँ। इससे दिल नहीं भरना था। आज के अपने शो के गेस्ट जो है वो आ चुके हुए हैं, यूजली स्टैंड अप कॉमेडी, भाई आगे थोड़े बड़े स्टार बैठे ना, मुंह से फंबल होने लगे हुए, यूजली स्टैंड अप कॉमेडी हम देखते हैं यूट्यूब पे, पर यहाँ पे भाई साहब पूरा माहौल बन चुका है कॉमेडी वाला। अपने बहुत ज्यादा फेमस पन्नू साहब साथ में, दहा बहुत ज्यादा हंसी वाला माहौल बना हुआ है यहाँ पे। थैंक यू, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज इन्होंने हमें इनवाइट किया है। मैंने ऐसा कभी पहले कुछ नहीं किया, लेकिन अगर इन्होंने हमें घर बुला के भी जिताया नहीं तो मैं, हमने घर पे बुलाया ही नहीं, हमने भाड़े के सेट पे बुलाया। और अब जाके हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ, और इस बेचारे ने सुबह से पहनी हुई थी जैकेट, गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले जैकेट उतारी है। भाई इस बंदे को देख के तो मेरे को गर्मी लग रही थी, गर्मियों में कैसे जैकेट पहनी हुई है, क्या करें, बहुत मुश्किल। अगर ये बनियान डाल के आ जाता तो गालियां देनी थी सबने, मेरे पहननी पड़ती है भाई, क्या करें, मजबूरी है। पर जैकेट अच्छी सूट कर रही थी पहले ही,
सिलवाई है आदि को। हाँ, भाई ले ले, पहले ले, ये जो लाल वाली जैकेट थी मैं खरीद रहा था, पर फिर आदित्य पे ज्यादा अच्छी जच रही थी तो मैंने कहा चल तू ले ले। ये जस तो तुम्हारे पे भी रही थी, फिर मुक्ति कहती ओंकार के बाद तो बहुत कपड़े तू ले ले। ये बहुत कपड़े पति तुझे कैसे बोल रहे, मेरे को तो हमेशा ये बोलती है वही कपड़े पहनते रहते हो, वही कपड़े पहनते रहते हो। हाँ, फिर मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि कार के पास सारे सॉलिड कलर है, मेरे पास सॉलिड कलर है, इसके पास सारे तो मेरे पास एक सॉलिड ऐड हो जाता है, पर अच्छा सॉलिड ऐड हुआ है वो। और अभी हम तीनों को लग रही है जोरों शोरों से भूख, घर से खाना हम लेके आए थे, अभी आदित्य को मैं बुर्जिया बना बना के दे रहा हूँ, ये खा रहा है और मैं भी खा रहा हूँ पनीर की बुर्जी है साथ में रोटी। हम वैसे बड़े ना वॉर्ड टाइमिंग पे खा रहे हैं क्योंकि घर पे भी खाना रेडी हो रहा है, पर भूख लगी है रहा नहीं जा रहा, चलो खा लेते हैं, मैं तो खाई लिया। वैसे आदित्य तो दो तीन बार डिनर तो कर ही लेता है। हाँ हाँ, मतलब अगर मैं पहला डिनर मैं जल्दी कर लूँ तो सेकंड डिनर मैं लेट कर लेता हूँ, बाकी मेरा लेट नाइट वाला तो फिक्स्ड ही है, मतलब 12 बजे उठने वाला। कोई नई बात थोड़ी है, वेरी नॉर्मल। और घर पे जो फ्रूट्स है ना वो हो चुके हैं खत्म, तो अभी हम आए लेने फ्रूट्स। और ये भाई साहब देखो बनैन भी लगे हुए हैं घूमने, ओए शर्म शर्म नहीं है तेरे को, कोई बनैन भी लगा हुआ है। मैं को बनैन देके थोड़ा रेट ही कम बोल देंगे। बोला रेट कम नहीं। घर पे आके सबसे पहले तो धोया मैंने मुंह और फिर बदले हैं कपड़े, और अब एक बारी फिर खाना खाने लगे हैं। क्या हुआ, एक काम किया तुमने, तूने तो मुंह धोया भी नहीं है। मुंह क्यों धोना है, जो ये सारा केमिकल वगैरह मुंह पे लगा था वो क्या, सुबह अच्छे से नहा लिया था, कल सुबह फिर से अच्छे से नहा लिया। हाँ ठीक है, कई लोग केमिकल लगा के सो सकते हैं तो उनमें टैलेंट है। और अपनी जो ये शिवानी है इसने पता नहीं कौन सा व्रत रखा हुआ है, शिवानी कब से खाना नहीं खाया, रात से, कौन सी रात से, आज रात से, कल रात से, क्यों नहीं खाया। देखो गर्मियों का मौसम है और डिहाइड्रेशन इतनी होती है, एनर्जी इतनी कम रहती है, खाना जरूरी है। देखो शिवानी सच्ची बात बोल रहा हूँ, हम बहुत ज्यादा बिजी है, अस्पताल वगैरह लेके जाना पड़ा, लेके भी नहीं जा पाएंगे। आलो खाना पहली सुकड़ी सी हो, डाइटिंग करके क्या क्या बचेगा तुम्हारा। और गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, आदित्य चाहे या ना चाहे मुंह साफ करना, उसकी बीवी उसका मुंह बुथा साफ कर ही देगी। कल रात को भी मैंने साफ किया था। कैसे साफ किया था तुमने, फेस वाइप से? अभी मेरा मुंह निखरा हुआ नहीं दिख रहा। सुनो मेरे का, जिस बंदे ने व्लॉग में ये बता दिया कि मैंने मुंह धोया, इसका मतलब उसने पहली बार मुंह धोया है। तूने तो कभी भी नहीं धोया। मैं फिर बताता नहीं, मैं चेक ही नहीं मारता। वैसे तो मेरे को मेकअप जो है आते उतारना चाहिए था, बट भूख इतनी जोर से लगी तो खाना वाना खाया, और आज दाल एक्स्ट्रा बनाई थी जो कि बहुत ज्यादा स्वाद बनी थी। और यार एक तो मेरे को ना उनका इतनी टेंशन हो रही है ना, मैं एक तो प्रेगनेंसी, मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैं केमिकल से अवॉइड कर रही हूं नाउ। मतलब तू जितना अवॉइड कर रही थी उतना ये 7-8 दिनों में तेरा केमिकल लग जाना है। वैसे मुझे पता था इसके बारे में कि कुछ ऐसा होगा जिसमें मैं थोड़ा और भी ज्यादा कम कर रही, मैं उस टाइम में लिपस्टिक भी ना लगाऊं, बहुत कम लगाऊं, बट अब तो मेरे ख्याल से मेरे बाल पे इतने केमिकल्स लग रहे, ऊपर से मेरे फेस पे केमिकल्स लग रहे, जिसमें कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज जरूरी है ये। हाँ ये रिक्वायरमेंट है, ये शो की डिमांड है। और मतलब वैसे मैंने काफी लड़कियां देखी जो कि रेगुलर बेसिस पे नॉर्मली बहुत मेकअप करती हैं, मैं करती नहीं हूँ, और काफी लोग लड़की प्रेगनेंसी में भी मेकअप करती हैं। करती हैं। तो मैं फिर सोचती हूँ कि 4 या 5 दिन में हफ्ता शूट करके मेरे कितना केमिकल अंदर घुस जाएगा। हाँ ये भी है, तो जितना अवॉइड करती है वो बेटर है। बस ऐसा लगता है ना कि केमिकल्स लगना आदत नहीं है ना। और जिस टाइम पे मेरा मेकअप हो रहा होता है ना, मैं उनको ये बोलती हूँ बहुत मिनिमल फाउंडेशन लगाना, कि क्योंकि कुछ लोग ना बहुत पैची कर देते हैं, पैची भी नहीं और बहुत ज्यादा मोटा फाउंडेशन लगाते हैं, और उसके बावजूद भी इतनी सारी कॉटन यूज हो चुकी है मेरा मेकअप उतारने के लिए। कल तो मैंने अपना फेस स्क्रब कर लिया था, बट आज मैं फेस स्क्रब नहीं करने वाली क्योंकि हर दिन भी स्क्रब अपना मुंह छिलना अच्छी बात नहीं होती है। ओंकार तुमने कल स्क्रब लगाया था? कल भी नहीं लगाया था, आज भी नहीं लगाऊंगा। अच्छा तुमने फेस धो लिया हुआ है, ओंकार थक चुका है बिकॉज ही इज प्रेग्नेंट। मजाक कर रही हूँ, छेड़ती हूँ मैं तुम्हें, क्यों अरे मजाक करता है यार। मैं भाग दौड़ रहा हूँ तो तेरे को ज्यादा लोड नहीं देते, तेरे को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते। मैं अगर थक गया तो भाई किसी रीजन की वजह से थका हूँ, तू प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट ही बोली जाती है। गुस्से मार गया तुम तो? नहीं मजाक, एक दो बार सही लगता रहती है। वैसे तो कल मेरी पैरों की हालत थोड़ी ज्यादा खराब थी, मतलब मेरे को वैसे फील नहीं हो रहा था कि मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, कुछ हो रहा है, बट जब मैं सोने लगी तो कारो मैंने देखा पैर काफी फूल रखे थे, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जबकि मैंने काम कम किया बट फिर भी मेरे पैर सूज गए, पता है क्यों? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं कपड़े से बाहर निकल जाती हूँ, इससे पहले बंदा मुझे गुस्से में आके सच्ची में निकाल दे। अभी मुक्ति की जो गुत्ते हुई थे ना वो खोले और बाल इसके इतने बढ़िया कर्ल होके निकल रहे, मतलब अरे वो उन्होंने स्प्रे भी किया।
किए हुए थे ना, तो उसकी वजह से ज्यादा। कल वाले शूट में ऐसे ही हेयर रख ले, अच्छा लगे, बढ़िया लग रहे हैं ये बाल। सो गाइस, वैसे तो आज हम शूट से थोड़ा सा जल्दी फ्री हो गए थे, परंतु अभी भी हम सोते सोते हो चुके हैं लेट, तो फटाफट सो जाते हैं क्योंकि हमें कल फिर से जल्दी उठना है। सो गाइस, इसी के साथ करते हैं आप सबको बाय बाय, गुड नाइट। अब हम आपको मिलेंगे कल अगले ब्लॉग में। और गाइस, आज जो हमने वीडियो बताई है वो आने वाले फ्राइडे को 7 बजे आ जाएगी। बहुत ज्यादा मस्ती करी है, उसे देखना मत भूलना। कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट करके बता दें।